सत श्री अकाल, मेरा नाम है सर ब्लूथरा। आप देख रहे हैं बंदूक वाले। आज जो हमारे पास वीडियो है, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी गाइस, क्रेजी। क्योंकि हमारे पास लाइट तो बहुत देर से है मार्केट में, पर रिसेंटली सुपर भी आ गया है। इन दोनों में एक एमआरपी का डिफरेंस है। एमआरपी इसकी है 155,000, जबकि इसकी है 132,000 के आसपास, मतलब 132,000। तो इनकी बॉक्सेस में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। जैसे अगर आप देख सकते हो, दोनों के बॉक्स एक जैसे हैं, दोनों की लुक एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। तो फ़र्क कहाँ पे आ जाता है? फ़र्क आ जाता है पिस्टलों में, पर वो भी सिर्फ एक चीज़ में। दोनों के साथ एक्सटेंडेड मैगजीन भी दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। फ़र्क बस इतना है कि इसके ऊपर रिब लगी हुई है और इस पे जो है रिब नहीं लगी, बस ये फ़र्क है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। दोनों 32 बोर के हैं, दोनों एग्जैक्ट एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हो, मैं ढूंढ रहा हूँ अगर मुझे कोई भी फ़र्क दिख जाए। मेड इन इंडिया भी सेम लिखा हुआ है, नंबरिंग भी सेम लिखी हुई है, ब्रांडिंग भी ऑलमोस्ट सेम दी हुई है। यहाँ पे बस बड़ा बड़ा इलाइट लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्होत्रा डिफेंस MSD सुपर कैलिबर 32। इसके अलावा इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक रिब का फ़र्क है और रिब के साथ ऑलमोस्ट कितना अपना 23,000 का फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है एक रिब के लिए, जो कि इसके ऊपर आप ऐसे ही लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट सस्ती लग जाती है। तो मैं तो भाई यही सलाह दूंगा, अगर आप अपने 25,000-23,000 के आसपास बचा सकते हो तो ज़रूर बचाओ। बाकी ये MRP प्राइस है, हो सकता है आपको मार्केट में ये सस्ता मिले, हो सकता है ये मार्केट में आपको महंगा मिले। हर किसी का अपना रेट होता है, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बाकी मुझसे ऑब्वियसली सस्ता मिलेगा आपको। बाकी ये इसके मैगजीन आ जाते हैं। बाकी यार ये पिस्टल जो है एग्जैक्ट 1911 की कॉपी है, बस इतना है कि एग्जैक्ट 1911 की कॉपी है, बस 32 में। और ये एग्जैक्ट लामा मेड इन स्पेन जैसा भी दिखता है। मेरा लामा ऐसा दिखता है, कुछ लोगों का लामा ऐसा दिखता है, दिखा रहा हूँ आपको। तो होप आप को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि लाइट और सुपर में सिर्फ रिब का फ़र्क है और पैसों का फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। तो बाकी सब कुछ सेम है, इवन दो कि एक्सटेंडेड मैगजीन्स भी जो आते हैं ये मैगजीन इसमें भी लग गया। और ये सेम मैगजीन इसमें भी लग गया। खासियत क्या है इलाइट की और सुपर की, कि ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट सा साइज़ है और इसलिए इनको कैरी करना बहुत इजी है और मज़ा भी आता है। तो इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी तक मार्केट में अच्छी क्वालिटी का इंडियन मेड अच्छी क्वालिटी का इलाइट जैसा छोटा पिस्टल नहीं आया, तो इसलिए इसकी सेल बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी इसका बहुत सही है कि मार्केट में इजीली हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। जैसा नहीं कि यू नो गार्डियन लेने जाओ मल्होत्रा का, या फिर कोई हम और पीस लेने जाए पिस्टल, तो वो महंगे चले जाते हैं। तो प्राइस के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड पिस्टल। बाकी होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्यार बरसा दो लाइक बटन पे। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो। मैं सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा कहता नहीं हूँ आजकल, पर प्लीज़ कर दिया करो यार।